हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माइसेल्फ अनु कुशवाहा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कई दिनों से हम लोग ऑप्टिक्स यूनिट पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स के अभी तक 9 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को अभी तक कवर कर रखा है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपकी बची हुई हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑप्टिक्स के दो ब्रांच जो मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं वो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो अभी तक जितना भी पार्ट हमने पीछे कवर किया वो सब जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या उसी को रे ऑप्टिक्स कहते हैं, उसके अंतर्गत वो टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो अभी कम से कम 2 से 3 और लेक्चर होंगे तब जाके आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स का पार्ट कवर होगा। उसके बाद एक दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा जिसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो उसमें हम इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इन सारी फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर नंबर 10 में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आज का जो लेक्चर है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1, और इसमें जो टॉपिक कवर करना है हमको वो है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इनका हम वर्किंग समझेंगे, इनके फार्मूले देखेंगे, और उसके बाद उन फार्मूले को के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा उसमें हम बचे हुए, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वैसे तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं ह्यूमन आई को, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सेपरेट अटेंशन देना चाहता हूं, तो इसको मैंने नेक्स्ट लेक्चर में प्लान किया हुआ है। ह्यूमन आई को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप सिलेबस देखेंगे तो GIC जो आपका UPSC GIC का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल लेंस सिस्टम के बाद हाइगेंस और रैमसडन आईपीस दिया हुआ है। तो हाइगेंस और रैमसडन आईपीस को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, और यानी कि हाइगेंस और रैमसडन आईपीस। ठीक है, और एक चीज यहीं पर हम पढ़ेंगे, रिजॉल्विंग पावर। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अक्सर यही होता है ना कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले ह्यूमन आई दिया रहता है, उसके बाद माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और ये रिजॉल्विंग पावर और रिजोल्यूशन, इसको वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो फेनोमेना आप पढ़ लेते हैं, इंटरफेरेंस, उसके बाद ये दिया रहता है। तो इसको हम वहां भी पढ़ सकते हैं, और चूंकि यहाँ पर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर भी इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ये डिफिनीशन है, रिजॉल्विंग पावर और एक चीज़ होता है रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इतने ही टोटल टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ने हैं। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आज कर लेते हैं, ह्यूमन आई, हाइगेंस और रैमसडन आईपीस, रिजॉल्विंग पावर, रिजोल्यूशन, इन सारे टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर लेक्चर बहुत लंबा नहीं हुआ तो इसका न्यूमेरिकल भी उसी में कर लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम इसके न्यूमेरिकल को अगले लेक्चर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो तब एक्टिवेट होता है, जो तब परफॉर्म करता है जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू लाइट। जैसे आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे फैन क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उसको आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी वो परफॉर्म करेगा, तभी वो फंक्शन करेगा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तब वो परफॉर्म करते हैं, तब वो फंक्शन करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ह्यूमन आई है ना, जो आई है, सिर्फ ह्यूमन आई नहीं, जो भी जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी जो आँख होती है, नेत्र होता है, उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो अंदर कुछ फंक्शन होता है, कुछ इमेज वगैरह बनता है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई या जो भी आई है किसी भी ह्यूमन बीइंग का हो या किसी भी दूसरे प्राणी का हो, तो ह्यूमन आई हो गया। इसके अलावा माइक्रोस्कोप, इसके ऊपर भी लाइट इंसिडेंट होता है तब ये फंक्शन करता है, यानी कि लेंस या मिरर इसमें यूज होगा। माइक्रोस्कोप के बाद टेलीस्कोप, ठीक है, इसके अलावा कैमरा हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इन सब के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है तब ये फंक्शन करते हैं, तब ये परफॉर्म करते हैं।
तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मिरर यूज होता है, लेंस यूज होता है, इनका कॉम्बिनेशन यूज होता है, वो सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन को समझने से पहले एक दो टर्म हैं जिनको हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो सारे टर्म हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बारे में मतलब सेंस में डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक टर्म यहाँ पर आता है विजुअल एंगल, ये सब वर्ड का मतलब अगर आपको पता है तभी आप माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। विजुअल एंगल जिसको दर्शन कोण कहते हैं, तो विजुअल एंगल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर ये हम अपने ह्यूमन आई की बात करें, सपोज ये हमारा ह्यूमन आई है, आपको पता है इसके अंदर एक लेंस होता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में डिटेल में, बट अभी के लिए आप देखिए मान लीजिए ये ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आई पर हमारे नेत्र पर जितना एंगल बनाती है, ये जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाई एन ऑब्जेक्ट टू अवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। किसी भी वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र पर बनने वाले कोण को विजुअल एंगल या दर्शन कोण कहते हैं। सपोज कि ये विजुअल एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट जब यहां से थोड़ा खिसका के आपने दूर कर दिया, सपोज कि वही ऑब्जेक्ट है आपने इसको यहां पर रख दिया, अब देखिए ह्यूमन आई पर ये कितना एंगल बनाएगी, ये हम डॉट डॉट करके यहां पर बढ़ा रहे हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए, तो अभी ये विजुअल एंगल ये है, इसको हम कर रहे हैं बीटा। तो आप देखिए कि अल्फा जो एंगल है वो ये एंगल था इस वाली लाइन के साथ, इस एक्सिस का एंगल अल्फा, और इस डॉटेड लाइन का इस एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है बीटा। तो डायग्राम से आपको ये क्लियर होगा कि अल्फा का जो एंगल बन रहा है वो ज्यादा है, बीटा जो एंगल बन रहा है वो कम है, दैट मींस बीटा इज लेस देन अल्फा। तो अगर बीटा अल्फा से छोटा है तो बीटा एंगल बनाने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपको अल्फा बनाने वाले ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा दिखाई देगा, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई देगा इस वाले ऑब्जेक्ट से, जबकि रियल में देखा जाए तो दोनों का साइज बिल्कुल इक्वल है। इसी ऑब्जेक्ट को हमने खिसका कर यहां पर रखा हुआ है, लेकिन जब इसको आपने खिसका कर यहां पर रखा तो इसने जो विजुअल एंगल बनाया वो एंगल हो गया छोटा, और विजुअल एंगल अगर छोटा हो जाएगा तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा छोटा। तो आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजुअल एंगल। मतलब जितना बड़ा साइज का विजुअल एंगल बनेगा ऑब्जेक्ट आपको उतने बड़े साइज का दिखाई देगा, और इसका उल्टा भी, जितना छोटा विजुअल एंगल बनेगा ऑब्जेक्ट आपको उतना छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां साइज का मतलब कैसी साइज से है, अपारेंट साइज से है, रियल साइज थोड़ी है, रियल साइज तो दोनों का सेम ही था। एक बात बताइए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने यहाँ पर रखा तो हमको ये इतना बड़ा दिख रहा है, अभी हम इसको दूर करते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि हमको बहुत छोटा दिखता जाएगा, धीरे धीरे छोटा दिखने लगेगा। तो क्या इसकी साइज में कोई चेंज हो रहा है? नहीं, रियल साइज इसकी वही है जो यहाँ पर है, जो इसको दूर ले जाएंगे वहां पर है, रियल साइज सेम है, अंतर इतना है कि इसका जो साइज हमको फील हो रहा है दैट मीन्स अपारेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अपारेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विजुअल एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि विजुअल एंगल जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का अपारेंट साइज उतना बड़ा, विजुअल एंगल जितना छोटा ऑब्जेक्ट का अपारेंट साइज उतना छोटा। ठीक है, तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है तो उसका विजुअल एंगल कैसा बनना चाहिए? बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखें कि विजुअल एंगल ही मेन चीज है जिसको बढ़ाने के लिए हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का मेन काम यह है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है बहुत नज़दीक है तो उसको हमको बड़ा देखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका विजुअल एंगल हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। विजुअल एंगल अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट को, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो हमारे नज़दीक मतलब कि जो बहुत ही नियर और टिनी ऑब्जेक्ट हों,
नियर और टिनी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे उसका नाम क्या है, टेलीस्कोप। टेली मतलब होता है दूर, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो हमसे बहुत दूर है अगर हम उसका साइज बड़ा देखना चाहते हैं तो उसका विजुअल एंगल बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो टेलीस्कोप। कोई ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है लेकिन बहुत छोटा है तो उसको हमको बड़ा करके देखना है तो उसका विजुअल एंगल बढ़ाना पड़ेगा, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसका नाम होगा माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का मेन पर्पज यही होता है, टू इंक्रीज विजुअल एंगल, विजुअल एंगल बढ़ाना ही इनका मेन टारगेट होता है। तो इसके बाद अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें, जैसे माइक्रोस्कोप हुआ, टेलीस्कोप हुआ, उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना ज़्यादा उसने ऑब्जेक्ट की साइज़ को हमको बड़ा दिखाया, रियल साइज से कितना ज़्यादा उसने बड़ा दिखाया, इस चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। देखिए, मैग्नीफाइंग पावर को हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लीनियर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में। लीनियर मैग्नीफिकेशन में आप कैसे बताते थे, लीनियर मैग्नीफिकेशन आपने लेंस और मिरर के केस में देखा, स्मॉल एम लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू लेंस के केस में ये होता था प्लस वी अपॉन यू के और मिरर के केस में माइनस वी अपॉन यू के। तो ये तो आपका सिंपल सा लीनियर मैग्नीफिकेशन है, जो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का रेशियो है। लेकिन जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम कैपिटल एम से एक्सप्रेस करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और आपने क्या किया, यहां पर बीच में कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया और उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो इमेज बना तो उस इमेज की वजह से अब जो विजुअल एंगल बनेगा वो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बीच में अगर हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो इमेज बनेगा, सपोज कि इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गया, तो ये इमेज ने अब जो विजुअल एंगल बनाया वो एंगल अगर बीटा हो और इसी इमेज की जगह पर अगर हम सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट रख दें और यहां से उसको देखें तब जो विजुअल एंगल बनेगा अगर वो एंगल अल्फा हो तो मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन होता है बीटा बाई अल्फा से, बीटा बाई अल्फा को ही मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। और ये जनरल फार्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, आगे हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ही निकालने वाले हैं और यही फार्मूला ही इस पूरे आज के लेक्चर में आपको मिलेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज फॉर्म्ड बाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं तो जो इमेज बनता है उसकी वजह से जो विजुअल एंगल बना वो डिवाइडेड बाई, जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते, मतलब अनएडेड आई बोलते हैं इसको, अनएडेड आई, कोई भी अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं और जहां ये इमेज बना था अगर उसी पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट रखते तब जो विजुअल एंगल बनता अगर वो एंगल अल्फा है तो वो अपान में होगा, तो m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। यानी आप कह सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू विजुअल एंगल बाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज करते हैं तब जो विजुअल एंगल बनता है डिवाइडेड बाई विजुअल एंगल बाई अनएडेड आई, ठीक है, ये है आपका मैग्नीफाइंग पावर। तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंगल्स का रेशियो होता है, इमेज से जो एंगल बना वो ऑब्जेक्ट से जो एंगल बना वो, इन दोनों का रेशियो है, जबकि लीनियर मैग्नीफिकेशन उनके हाइट का रेशियो है। तो यहाँ पर चूंकि हाइट को मेजर करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसके हाइट का एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको नहीं पता है
लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि जो इमेज आपका बना वो ऑब्जेक्ट से कितना इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीमेंट हो गया, तो उसके लिए आप बिना इसकी हाइट को यूज किए भी आप बता सकते हैं, एंगल के टर्म में बताएंगे। तो जब एंगल के टर्म में मैग्निफिकेशन बताते हैं तो उसी को मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और जब हाइट के टर्म में बताते हैं, जैसे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है मैग्नीफाइंग पावर और लीनियर मैग्निफिकेशन के बीच में। तो मैग्नीफाइंग पावर को ही एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एंगल्स का रेशियो होता है इमेज अपान ऑब्जेक्ट का, और ये हाइट का रेशियो होता है इमेज अपान ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए। अब हम सीधे आते हैं, एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं, विजुअल एंगल को वो इंक्रीज कैसे कर देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, टू फॉर्म लार्ज इमेज ऑफ अ क्लोज एंड माइन्यूट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत ही हमारे नज़दीक हो और छोटा हो, उसका बड़ा इमेज बनाने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे वो माइक्रोस्कोप है। और कैसे बड़ा करेंगे इमेज को, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो तो फिक्स है, वो हमको बड़ा कब दिखेगा, जब इससे बनने वाला इमेज हमारे आई पर विजुअल एंगल बड़ा बनाएगा। यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम अपने नज़दीक के बहुत छोटे ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का साइज हमको बड़ा महसूस होने लगता है। दैट मीन्स अपारेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द विजुअल एंगल। ठीक है, तो अगर माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को ही हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के को ही मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल सा कॉन्वेक्स लेंस होता है स्मॉल फोकल लेंथ का। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है कि कम होता है, मतलब क्या उसका फोकल लेंथ कम रखने पर वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा या ज़्यादा फोकल लेंथ होने पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो वो इसके मैग्निफिकेशन के फार्मूले से हमको पता चलेगा। तो अभी के लिए आप याद रखिए कि इसका जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है और ये कॉन्वेक्स नेचर का लेंस है। और कैसे ये वर्क करता है, तो आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन आपने सीखा ही है कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ए बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, तो इसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्टेड टुवर्ड्स द साइज ऑफ द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्टेड बनेगा और इस ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बनेगा। तो एक पैरेलल रे ले गए जो इसके फोकस से पास हुई और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले गए जो बिना डेविएट हुए सीधे निकल गई। इन दोनों को पीछे की ओर, क्योंकि इधर ये डाइवर्ज हो रहे हैं तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये कन्वर्ज होंगे, और जहां कन्वर्ज होते हुए अपीयर हो रहे हैं वहीं पर इसका वर्चुअल इमेज बन जाएगा। यानी ए डैश बी डैश जो है वो इस ऑब्जेक्ट ए बी का वर्चुअल इमेज है। तो अब देखिए कि ये जो इमेज है, मतलब ये जो आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया, ये इस तरह के एक हैंडल में, एक छल्ले में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, उसके बाद यहाँ पर ये पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जैसे कोई लेटर को पढ़ना होता है, बुक में कोई लेटर है बहुत छोटा छोटा, उसको पढ़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन यही होना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्ट को आप बड़ा देखना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर। ठीक है, इसी से आप कागज वगैरह भी जलाते थे कॉलेज में अपने, किया होगा आपने, और जैसे वर्नियर स्केल होता था जब उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी रीडिंग पढ़ने के लिए, बहुत बहुत स्मॉल स्मॉल डिवीजन को पढ़ने के लिए हम इसी माइक्रोस्कोप का यूज करते थे, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो आपका, मान लीजिए जो आपका इमेज है वो इस आई से इस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी से एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मल एडल्ट के लिए इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर।
तो ह्यूमन आई में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप बस इसकी वैल्यू देख लीजिए। तो अगर मान लीजिए जो इमेज आपका बना हुआ है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक बना हुआ है, तो ऐसे में ये जो आपका इमेज बन रहा है वो इमेज ने जो आई पर विजुअल एंगल बनाया है वो एंगल है बीटा। और सपोज कि जहां ये इमेज बना हुआ है अगर उसी पोजीशन पर हम इस अपने ऑब्जेक्ट को रख दें और कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना यूज करें, तब ये हमारे आई पर जो विजुअल एंगल बना रही हो वो अल्फा हो, तो बीटा अपान अल्फा का रेशियो ही इस इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर होगा या एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगा। तो एम इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, और यहां पर हम करते क्या है, बीटा का मतलब बीटा नहीं लिखते हैं बल्कि बीटा की जगह पर हम टेन बीटा यूज करते हैं और अल्फा की जगह पर टेन अल्फा यूज करते हैं, और ये बीटा और अल्फा बहुत छोटे हैं तो टेन बीटा इक्वल टू बीटा, टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा और टेन थीटा इक्वल टू थीटा के इक्वल होता है, तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस डायग्राम से हम टेन बीटा निकालते हैं, इस डायग्राम से हम टेन अल्फा निकालते हैं, ये क्या है, ये वही ऑब्जेक्ट ए बी है, ये वही ऑब्जेक्ट ए बी है, और इनका जब रेशियो लेते हैं तो ये फाइनली हमको मिलता है m इज इक्वल टू डी अपान यू, m इज इक्वल टू डी अपान यू, जहां पर d का मतलब आप समझ रहे हैं और u का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इस लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो जब फाइनल इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा तो ये आपका जनरल फार्मूला आ गया m इज इक्वल टू डी अपान यू, लेकिन ये जो d अपान यू आया है इसको जब आप इस केस में कैलकुलेट करते हैं लेंस का फार्मूला यूज करके 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u, उस पूरे इक्वेशन से जब आप d अपान u निकालते हैं तो वो आता है 1 प्लस d अपान f, ठीक है। और ये कब, जब फाइनल इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d अपान f। लेकिन जब फाइनल इमेज आपका इन्फिनिटी पर बनेगा, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनने का मतलब कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, वो इस लेंस के फोकस पर होना चाहिए, क्योंकि फोकस पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। तो अगर हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा पीछे कर दें यानी फोकस पर रख दें तो फाइनल इमेज हमको इन्फिनिटी पर मिलेगा, और जब इन्फिनिटी पर मिलेगा तब जो इक्वेशन आएगा लेंस का, जो इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे वी और यू ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद, तो वहां से डी अपान यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा सिर्फ डी अपान एफ के इक्वल, ठीक है। यानी u की वैल्यू, u की जगह पर सिर्फ f आ जाएगा, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आप फोकल फोकस पॉइंट पर रख देंगे तो u इक्वल टू f के हो जाएगा, तो d अपान f मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यही दोनों फार्मूले याद रखने हैं और हर बार यही करेंगे जितना भी हम पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए देख रहे हैं, सेम चीज़ हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी जब फाइनल इमेज d डिस्टेंस पर बनेगा तब मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे, और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा जिसको हम रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं, है ना, अश्रांत नेत्र के लिए, तो m इक्वल टू डी अपान एफ आ जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर के ये दोनों फार्मूले आप नोट करिए, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ये जनरल फार्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर की डिफिनीशन के लिए। तो ये हुआ आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन एक चीज यहां पर आपके दिमाग में आया होगा कि ये जो बीटा है वो तो इस लेंस के साथ एंगल बन रहा है और यहां जो अल्फा हमने लिया है वो हमने ह्यूमन आई के साथ लिया है। तो ध्यान रखिए कि यहां पर एक हमारा अप्रोक्सीमेशन है कि जो आई है वो लेंस के बहुत ही क्लोज है, जो आई है वो लेंस के बहुत ही क्लोज है, इसीलिए जो हम डिस्टेंस डी दिखा रहे हैं वो हम आई से दिखा रहे हैं। आई से दिखाने का मतलब कि चाहे आप आई से डिस्टेंस लीजिए चाहे इस लेंस से डिस्टेंस लीजिए दोनों लगभग डी के इक्वल होगा। लेकिन मान लीजिए किसी सिचुएशन में ये आई और इस लेंस के बीच में काफ़ी सेपरेशन है और इतना सेपरेशन है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, यानी ये अब मान लीजिए कि लेंस और आई के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, तो ऐसे में चूंकि हम जो डिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो लेंस से हमको इमेज के बीच का डिस्टेंस यूज करना होता है, हमेशा मेजरमेंट हम इसी का करते हैं, तो इसका मतलब कि डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी करेंगे तब ये डिस्टेंस आएगा, मतलब जहां कैपिटल डी जहां जहां है वहां कैपिटल डी की बजाय कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी यूज होगा, ठीक है, तो डी माइनस डी बन जाएगा। तो नॉर्मली हमारा ये अप्रोक्सीमेशन यहां पर है कि जो आई है वो इस लेंस के बहुत ही क्लोज है, तो डिस्टेंस हम चाहे आई से मेजर करें चाहे लेंस से मेजर करें वो कैपिटल डी माना जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा।
दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपका सिंपल माइक्रोस्कोप किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना सकता है तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्या है। तो इस ज़रूरत को आप समझ लीजिए। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस आपने यूज़ किया है, पहली बात तो इससे जो मैग्निफिकेशन होता है, इससे जो मैग्निफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट की साइज़ का, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो भी है और इससे जो इमेज आपको दिखेगा वो लगभग 10 गुना होता है, लगभग 10 गुना के आसपास। तो एक सिंगल लेंस आप यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को लगभग 10 गुना बड़ा आप देख सकते हैं। एक और चीज़ है कि सिंगल लेंस से जो इमेज बनता है वो उसमें बहुत तरह के अबेरेशंस होते हैं, है ना, क्रोमेटिक अबेरेशन होगा, ये सब आप पढ़ चुके हैं, क्रोमेटिक अबेरेशन, स्फेरिकल अबेरेशन। तो इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं कि क्रोमेटिक अबेरेशन और स्फेरिकल अबेरेशन की वजह से इमेज आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक दायरे तक, एक लिमिट तक ही हम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं और इन अबेरेशन से उसको फ्री रखना चाहते हैं तो हमको लेंसेज का कम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है कि क्रोमेटिक और स्फेरिकल अबेरेशन को दूर करने के लिए कम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो क्रोमेटिक और स्फेरिकल अबेरेशन को मिनिमाइज करने के लिए लेंसेज का कम्बिनेशन चाहिए, और दूसरी बात, और कम्बिनेशन की हेल्प से आप मैग्निफिकेशन को 10 गुना की बजाय 100 गुना भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि m इज इक्वल टू एम वन एम टू एंड सो ऑन। जब लेंसेज का कम्बिनेशन होता है तो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आगे बढ़ती है, जबकि जो उनका पावर होता है वो इस तरीके से बढ़ता है, p इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस एंड सो ऑन। तो अगर हम लेंसेज का कम्बिनेशन लें तो उनका पावर प्लस होता है, लेकिन उनका मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो अगर एक लेंस 10 गुना बढ़ा सकता है तो एक और लेंस अगर हम लगा दें तो वो भी 10 गुना बढ़ाएगा, तो कुल मिला के 10 और 10 यानी कि 100 गुना बढ़ जाएगा उसका मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो इमेज को बहुत ज़्यादा इलार्ज करने के लिए और इस अबेरेशन को दूर करने के लिए सिंगल लेंस की बजाय हम कम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करेंगे, और जब कम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करेंगे तो ऐसे माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज का कम्बिनेशन होता है, और वो कम्बिनेशन देखिए कुछ इस टाइप से है। एक लेंस जो स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर का होता है, ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखा जाता है, मतलब जिधर हमारा ऑब्जेक्ट होगा उधर वो लेंस लगा होगा, और दूसरा लेंस जो लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का होगा, जिधर से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, मतलब जिधर आई होगी, तो आई की तरफ जो लेंस होता है उस लेंस को हम बोलते हैं आई पीस। इसको क्या बोलेंगे, आई पीस। और ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ये जो आपका आई पीस होता है मोस्टली यहां पर सिंगल लेंस की बजाय कई लेंसेज का कंबिनेशन लिया जाता है ताकि क्रोमेटिक अबेरेशन और स्फेरिकल अबेरेशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर सके। तो इसी आई पीस के ही रेफरेंस में आपको पढ़ना है हाइगेंस आई पीस और रैम्सडन आई पीस, ठीक है। तो जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप देखिए कि अगर सिंगल लेंस यहाँ पर यूज किया जाए आई पीस की जगह पर, जिधर से हम इसको देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और जिस साइड ऑब्जेक्ट है वहां जो लेंस है वो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का कि आई पीस का। तो आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप की बात हो रही, दैट मीन्स छोटे से ऑब्जेक्ट को देखना है, तो छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसके सामने जो लेंस चाहिए वो तो छोटा ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो लेंस यहाँ पर छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं वो छोटा होता है, स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर का, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और अपर्चर कम होता है, आई पीस का फोकल लेंथ और अपर्चर ज़्यादा होता है। इसी तरह से देखिए जब टेलीस्कोप में हम बात करेंगे तो टेलीस्कोप में क्या होता है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज हमको देखना है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसका क्लियर इमेज देखने के लिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इमेज फॉर्मेशन में यूज होना चाहिए। तो सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट इधर है जो बहुत दूर है और उससे आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आकर के इमेज बनाए, तो सामने जो आपके पास सबसे पहला लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का होना चाहिए।
तो टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़े फोकल लेंथ का होता है, बड़ी फोकल अपर्चर का होता है, जिससे इमेज ब्राइट बन सके, क्लियर बन सके। जबकि माइक्रोस्कोप में हम हमारा छोटे से ही काम चल जाता है, इसलिए यहाँ पर ये है आपका छोटे फोकल लेंथ और छोटे अपर्चर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस को एक ही एक्सिस पर कंबाइन करते हैं और एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, इसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर ये दोनों बंद होते हैं। ठीक है, और इनके बीच के डिस्टेंस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इनके बीच के डिस्टेंस को चेंज करने के लिए एक अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। और एक क्रॉस वायर यहां पर लगा होता है, इस वाले आईपीस के फोकल लेंथ पर क्रॉस वायर लगा होता है, क्रॉस की तरह दिखता है, इसलिए लगा होता है ताकि आप इस ऑब्जेक्टिव को पहले फोकस कर लें। फोकस करने का मतलब यह है कि जो क्रॉस वायर है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट आईपीस को आगे पीछे करके अगर हमको ये क्रॉस वायर बहुत ही क्लियर दिख रहा है, दैट मीन्स अब ठीक है कि इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज यहाँ पर इस फोकस के आसपास बनेगा तो आईपीस से देखने के बाद वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं फोकसिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। तो फोकसिंग ऑफ माइक्रोस्कोप को कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर क्रॉस वायर होता है आईपीस के फोकस के ऊपर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है, इसी तरह से आईपीस का ये फर्स्ट फोकस है और यहां पर ये इसका सेकंड फोकस है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, ए बी नाम के ऑब्जेक्ट को, इसके फोकस के बाहर कहीं पर रख दें तो कॉन्वेक्स लेंस से जो उसका इमेज बनेगा वो इसके फोकस के आगे बनेगा, और इतना आगे बनेगा कि वो जो इसका जो इमेज है ए डैश बी डैश वो दूसरे वाले लेंस यानी आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज बहुत बड़ा बनता है और वर्चुअल बनता है। पीछे आपने देखा सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी तो यूज हो रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस के फोकस के अंदर आ गई, तो फोकस के अंदर आ गई तो इसी का वर्चुअल इमेज ही तो ये बन रहा है इतना बड़ा सा। और आप देखिए कि जब दो दो लेंसेज का आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो एक तो इस लेंस की वजह से इस छोटे से ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा इमेज बना, और अब दूसरे वाले लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट का, ये जो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज है वही आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का इसकी हेल्प से और ज्यादा बड़ा इमेज बन रहा है। तो फाइनली कुल मिला के क्या हो रहा है कि ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो फाइनल इमेज बन रहा है वो ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है, जो कि इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हाईली इनलार्ज इमेज बनाने के लिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव किसके पास होता है? ऑब्जेक्टिव होता है नियर द ऑब्जेक्ट, किसी भी केस में, चाहे आपका टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट के नजदीक जो लेंस होगा उसी को ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। और आई पीस क्या होता है? किसके नजदीक? तो नियर द आई, आई के नजदीक, आई की तरफ जो लेंस होगा उसको आईपीस बोलेंगे, चाहे माइक्रोस्कोप की बात हो चाहे टेलीस्कोप की बात हो। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस लेंस से, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बना है वो ए डैश बी डैश है, और आईपीस से जो इमेज बना है वो ए डबल डैश बी डबल डैश है। और ये इमेज अगर मान लीजिए कि फाइनली कहाँ बना है, तो यहां से जब हम देख रहे हैं तो डी डिस्टेंस पर यह इमेज बना हुआ है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आप जानते हैं, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, और इसके लिए जब बीटा अपन अल्फा कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या निकल के आता है? तो वो आता है वी अपान यू ओ, वी ओ अपान यू ओ ब्रैकेट में डी अपान, इसको यहां पर आप लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, डी अपान यू ई। ये जनरल फार्मूला निकल के आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के लिए। अब यही फार्मूले में जब डी अपान यू ई की अगर हम बात करें, ई फॉर आई पीस और यू ई का मतलब आई पीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है यू ई, ये है यू ई, और ये जो इमेज बना है ऑब्जेक्टिव से उसको आप वी ओ बोलेंगे, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के सामने जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस को यू ओ बोलेंगे, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। और देखिए इस लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एफ ई बोलेंगे और इसकी फोकल लेंथ को एफ ओ बोलेंगे। तो यहां पर ये जो जनरल फार्मूला आया है इसको जब हम यूज करते हैं, जो जब आपका फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनता है
तो व्हेन फाइनल इमेज इट एट डिस्टेंस डी, तो मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ से वी ओ अपान यू ओ, और ब्रैकेट में आपने डी अपान यू पीछे भी देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप में कि डी डिस्टेंस के लिए डी अपान यू की जो वैल्यू आती है वो डी वन प्लस डी अपान एफ के इक्वल आती है, तो वन प्लस डी अपान एफ तो लिखेंगे, बट ध्यान रहे कि यहाँ पर यू ई की बात हो रही है, आई पीस के लिए ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आई पीस का ही फोकल लेंथ लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी। इसी में वी ओ अपान यू ओ, वी ओ अपान यू ओ का मतलब इस लेंस का मैग्निफिकेशन है ना, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन ये तो है वी अपान ओ, वी अपान यू, तो वी अपान यू की जगह पर आप लिख सकते हैं, देखिए वी ओ अपान यू ओ की अगर हम बात करें तो वी ओ जो है यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ ए डैश बी डैश फ्रॉम लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें ये जो इमेज बनता है वो इस वाले लेंस के काफ़ी क्लोज होता है, ये जो इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है वो इस लेंस के काफ़ी क्लोज होता है, तो आप कह सकते हैं कि इस इमेज और इस लेंस के बीच का डिस्टेंस लगभग उतना ही है जितना इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन, तो इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन मतलब कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इसकी जगह पर हम एल यूज कर सकते हैं, और यू ओ की अगर हम बात करें यू ओ, तो देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकल लेंथ के काफ़ी करीब होता है, तो यू ओ की जो वैल्यू है वो एफ ओ के इक्वल होता है लगभग, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा अगर हम इसे मॉडिफिकेशन करें तो वी ओ की जगह पर हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली एल के इक्वल, और राइट साइड में प्लस यू ओ की जगह पर एफ ओ लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लेकिन लेफ्ट में है तो माइनस, तो यानी कि वी ओ अपान यू ओ की जगह पर हम एल अपान बल्कि माइनस एल अपान एफ ओ लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में टर्म वही रहेगा वन प्लस डी अपान एफ ई, तो इस तरीके से भी हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। और फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी की बात करेंगे, तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो कब बनेगा, जब ए डैश बी डैश कहाँ पर होगा, जब ए डैश बी डैश इसी एफ ई के ऊपर होगा, तो इसका मतलब कि फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी के लिए एम इज इक्वल टू यहाँ से हम लिखें अगर तो वी ओ अपान यू ओ कोई चेंज नहीं, यहाँ पर वन प्लस डी अपान एफ ई, सिंपल माइक्रोस्कोप में वन प्लस डी अपान एफ ई किस में रिड्यूस हुआ था, इन्फिनिटी पर जब इमेज बनता है तो वन प्लस डी अपान एफ ई की जगह पर सिर्फ डी अपान एफ ई, तो यहां पर भी हो जाएगा डी अपान एफ ई, तो इन्फिनिटी पर जब इमेज बनेगा या रिलैक्स्ड आई के लिए ये मैग्नीफाइंग पावर होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और अगर वी ओ अपान यू ओ की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो फिर से वही लिख सकते हैं माइनस एल अपान एफ ओ और ब्रैकेट में डी अपान एफ ई। यहां पर देखिए एक और रिलेशन अक्सर उसके ऊपर सवाल बन जाता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस, तो जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बन रहा है तो आप यहां से देखिए कि इस लेंस और इस लेंस के बीच का सेपरेशन कितना है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस वी ओ और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस यू ई, तो जब ये वाला केस है केस नंबर वन, तो केस नंबर वन में लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई, और केस नंबर टू में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर तब बनेगा जब ये ए डैश बी डैश कहाँ पर होगा, इसी पॉइंट के ऊपर होगा, और इसी पॉइंट के ऊपर होगा इसका मतलब कि ये इतना होगा वी ओ और ये इतना क्या बोला जाएगा यू ई, किसके इक्वल हो जाएगा यू ई एफ ई के इक्वल हो जाएगा, फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं वी ओ प्लस एफ ई, यू ई की जगह पर एफ ई, तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग पावर का ये फार्मूला। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आप फार्मूले का अगर हर एक फॉर्म आप जानते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, रिलेशन आपस में डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये हो गया, तो सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब आपका कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि टेलीस्कोप क्या होता है, तो अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप का काम होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है हमसे, जैसे कि सन है, मून है और डिफरेंट स्टार्स हैं, या अर्थ पर ही कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूर है,
तो ऐसे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, तो टेलीस्कोप को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में सिर्फ लेंस यूज होगा, तो रिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है, इस वजह से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है कि लेंस के साथ साथ मिरर भी यूज होता है, यानी यहां पर रिफ्लेक्शन की फेनोमेना होती है, इस वजह से इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, यानी जिसमें सिर्फ लेंस यूज होता है। तो यहां पर देखिए दो लेंस हमने यूज किया है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, और ये लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, ये ऑब्जेक्टिव है, वो लेंस जिधर आई है उसको हम आई पीस कहेंगे। और चूंकि हमको बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, तो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं इन्फिनिटी पर है या बहुत दूर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमसे बहुत दूर होता है, तो हम जानते हैं कि वहां से आने वाली जो रेज होती हैं उसको हम पैरेलल कंसीडर करते हैं। तो सपोज कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट ए बी से कुछ पैरेलल रेज आ रही थी, और ये दोनों पैरेलल रेज आप जानते हैं इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इस ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज बनेगा, वो इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पॉइंट पर बनेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए डैश से लेकर इस लेंस एल के बीच की जो डिस्टेंस है वो एफ ऑब्जेक्टिव के इक्वल है, एफ ओ के इक्वल। ठीक है, तो एफ ओ पर यहां पर ये बन गया इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज एज ए डैश बी डैश। और ये जो इमेज ए डैश बी डैश बना है वो दूसरे वाले लेंस के फोकस के अंदर, दूसरे यानी आई पीस के फोकस के अगर अंदर हो, तो फिर आप जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट आई पीस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर आ जाए तो उसका वर्चुअल और बड़ा इमेज बनता है। तो ये इमेज देखिए, इस ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश का ये क्या है, वर्चुअल और बड़ा इमेज, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, इरेक्टेड है, सीधा है। फाइनल जो आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको इन्वर्टेड दिख रहा है, लेकिन ये जो इमेज बना है वो इस ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश का बना है। तो ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में ये वर्चुअल है, इरेक्टेड है और लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का एक बड़ा इमेज यहाँ पर बन जाता है, यानी कि ये अब आपके नेत्र पर आई पर बड़ा विजुअल एंगल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये आपको साइज में बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके अगर हम फार्मूले की बात कर लें, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर की बात कर लें, तो जो जनरल फार्मूला इसके लिए निकल के आता है माइनस एफ ओ अपान यू ई। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आपने देखा था जनरल फार्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी जनरल फार्मूला, फिर उसी जनरल फार्मूले में दो दो केस बनते थे, एक केस होता था डी डिस्टेंस के लिए, एक केस होता था इनफाइनाइट के लिए। तो बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर भी है कि ये जो हमारे पास टेलीस्कोप है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए जो जनरल फार्मूला आता है मैग्निफिकेशन का, वो माइनस एफ ओ अपान यू ई, डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं इसका, तो माइनस एफ ओ अपान यू ई। और इसका अगर हम यूज करें उस केस में जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने, जब ये फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस पर बने, डी डिस्टेंस पर बने, तो ऐसे केस में ये मैग्नीफाइंग पावर इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, सॉरी डी डिस्टेंस पर बनेगा तो एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई वन प्लस। तो हर बार आप देखते थे ब्रैकेट में क्या होता था, वन प्लस डी अपान एफ टाइप का, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो डी अपान एफ टाइप है वो तब आता है जब बात माइक्रोस्कोप की हो रही थी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी डी अपान एफ का टाइप दिखता था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी था, लेकिन ये आपका टेलीस्कोप है ना, तो टेलीस्कोप है तो इसमें डी अपान एफ की बजाय एफ अपान डी आएगा, और ये पार्ट होता है आई पीस के लिए, तो यानी एफ ई होगा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन जाए तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते थे, ब्रैकेट में जो वन प्लस वाला पार्ट होता था उसमें से वन को छोड़ देते थे, लेकिन ये तब तक करते थे जब बात माइक्रोस्कोप की हो रही थी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का भी जब दूसरा केस लिख रहे थे तो वन हमने हटा दिया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी जब इन्फिनिटी का केस लिख रहे थे तो वन हमने हटा दिया था, लेकिन जब बात टेलीस्कोप की होगी तो वन हटाने की बजाय हम इस पूरे ब्रैकेट को ही हटाएंगे, हमको मिलेगा एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई, और जब डी डिस्टेंस पर बनेगा तो माइनस एफ ओ अपान एफ ई वन प्लस एफ ई अपान डी।
और ऐसे केस में अगर आप इस टेलीस्कोप का लेंथ लिखना चाहते हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए ये जो इमेज बना है वो कितनी डिस्टेंस पर है, एफ ओ, और इसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू ई। तो आप कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर तभी बनेगा जब ये ए डैश बी डैश इस लेंस के फोकस पर हो, और ये ऑब्जेक्ट जब इसके फोकस पर आ जाएगा दैट मीन्स यू ई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ई के इक्वल। तो ऐसे केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का ये दोनों केस हो गया, और उसके मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला हो गया, और ये डायग्राम बनाने का तरीका हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव था वो स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर का था, लेकिन जब टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव आपका लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का है। कारण क्या है, तो कारण यही है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, इमेज को अगर आप क्लियर और स्पष्ट बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पास होना चाहिए, और इसके लिए आपको इसका अपर्चर बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और उसका फार्मूला, उसका इमेज फॉर्मेशन। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अच्छा इमेज बना सकता है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से किस तरीके से अच्छा है, क्या इसमें खास बात है जो इसमें नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा होता है कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो एक कॉन्केव नेचर का कॉन्केव मिरर होता है, और जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वहाँ से ये पैरेलल रेज आती हैं, इसके ऊपर इंसिडेंट होती हैं और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर एक और प्लेन मिरर लगाए होते हैं, 45 डिग्री पर ये इंक्लाइन होती है। तो ये रिफ्लेक्टिंग जो रेज हैं वो यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होती हैं, और यहाँ पर आईपीस लगा होता है जिसमें हम अपने उस ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए कैसेग्रेन में यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉन्केव नेचर का तो होता है, लेकिन वो स्फीरिकल कॉन्केव मिरर नहीं बल्कि वो पैराबोलाइडल कॉन्केव मिरर होता है, इसको हम प्राइमरी मिरर भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा पैराबोलाइडल कॉन्केव मिरर है इससे क्या फ़ायदा होगा, तो जब हमने आपको क्रोमेटिक और स्फीरिकल अबेरेशन बताया था तो वहाँ पर हमने आपसे बताया था कि स्फीरिकल अबेरेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम स्फीरिकल मिरर की जगह पर पैराबोलिक या पैराबोलाइडल मिरर यूज कर सकते हैं, और उस मिरर में स्फीरिकल अबेरेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब किसी भी पॉइंट पर जो रेज यहाँ जाके ऐसे टकरा रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, वो बिखरी हुई नहीं रहती हैं। तो स्फीरिकल अबेरेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर स्फीरिकल मिरर की बजाय पैराबोलाइडल मिरर यूज करते हैं, तो स्फीरिकल अबेरेशन नहीं रहता है। और दूसरी बात, मिरर चाहे हमारा कॉन्केव हो मिरर चाहे हमारा पैराबोलाइडल हो, दोनों ही केस में आप जानते हैं कि क्रोमेटिक अबेरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रोमेटिक अबेरेशन तब होता है जब रिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है। तो जो हमारा पीछे था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप उसमें क्रोमेटिक अबेरेशन भी हो सकता है और उसमें स्फीरिकल अबेरेशन भी हो सकता है। तो जब हमने मिरर यूज कर दिया यानी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जब हमने बात की, तो पहली बात तो रिफ्लेक्टिंग अगर हमने टेलीस्कोप की बात करी तो यहाँ पर मिरर लगा दिया हमने, और मिरर लगा दिया तो क्रोमेटिक अबेरेशन तो खत्म ही हो गया, और उस मिरर में भी अगर हमने पैराबोलाइडल मिरर यूज कर दिया तो क्रोमेटिक अबेरेशन के साथ साथ स्फीरिकल अबेरेशन भी खत्म हो गया। तो आप कह सकते हैं वन ऑफ दी बेस्ट जो टेलीस्कोप आपके लिए होगा वो होगा कैसेग्रेन, क्योंकि इसमें कोई स्फीरिकल अबेरेशन नहीं और कोई क्रोमेटिक अबेरेशन नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को यूज करने का यही फायदा होता है कि इसमें जो इमेज बनता है उसमें क्रोमेटिक और स्फीरिकल अबेरेशन नहीं होते हैं, खास करके कैसेग्रेन में। और दूसरी बात यह है कि जो मिरर हमारे पास हम यूज कर रहे हैं तो मिरर की जो लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे जितने अपर्चर का ये मिरर हमने यूज किया है अगर हम इतने ही अपर्चर का लेंस यूज करें ऑब्जेक्टिव लेंस, तो वो उतना लाइट नहीं इकट्ठा कर पाएगी गैदर कर पाएगी जितना ये मिरर कर सकती है। और आप जानते हैं कि लेंस से जब लाइट पास होती है तो जब लाइट बाहर निकलती है तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो घट जाती है, क्योंकि कुछ लाइट को ये अब्जॉर्व कर लेता है।
जबकि रिफ्लेक्शन की फिनोमेना में ये एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, तो मैक्सिमम लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। ये दूसरे फायदे की बात हो गई। तीसरी बात कि बड़े अपर्चर और बड़े फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस बनाना काफ़ी खर्चीला होता है, क्योंकि ये बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है और ये उसी में डैमेज हो जाता है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पर मिरर यूज करते हैं तो सिर्फ एक साइड पॉलिश करना होगा और खर्चा भी कम आएगा, आसानी से बन भी सकता है। तो ये सुविधाजनक है, सस्ता है, अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, तो इस वजह से ही रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की हमेशा प्रेफरेंस इसको दिया जाता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो पॉइंट और आप ध्यान दीजिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर आते हैं। जैसे अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहाँ पर है, तो ये यूएसए में है और इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया जाता है उसका डायमीटर 102 सेंटीमीटर के आसपास है। ये किसका डायमीटर है? डायमीटर है रेडियस नहीं, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग है तो लेंस ही होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये, चलिए यहां पर लिख देते हैं, लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो जो लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो भी कहाँ है? यूएसए में है और इसमें जो ऑब्जेक्टिव मिरर यूज होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है ना तो मिरर ही यूज होगा, तो लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूएसए में है और इसका जो ऑब्जेक्टिव मिरर है उसका डायमीटर है 10 मीटर के आसपास। इंडिया में अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, तो इंडिया में जो लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसका डायमीटर है 2.34 मीटर, और ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। और कौन इसको यूज करता है? तो इट इज़ यूज्ड बाय इंडियन स्पेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। ये जो ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स का बेंगलुरु में, वो वहाँ के साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं। तमिलनाडु में इसको बनाया गया है और वहाँ पर सिचुएटेड है ये। 2.34 मीटर इसका डायमीटर, इसके ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है, ऑब्जेक्टिव मिरर का। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। और क्या इसमें फ़ायदा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से, वो आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। फार्मूले की बात करें इसके मैग्नीफाइंग पावर की, तो फार्मूला वही है। डी डिस्टेंस के केस में एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपान डी, मतलब फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो चाहे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो, दोनों में फार्मूला सेम होता है, एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई। ठीक है, तो फार्मूला वही है, बाकी प्रोसेस आपने वर्किंग देख लिया, डायग्राम देख लिया। खास करके ये आप ध्यान रखिएगा कि जो कैसे ग्रेन होता है, इसमें हम पैराबोलाइडल जो मिरर यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग से तो अच्छा था ही, लेकिन यहाँ पर कॉनकेव की जगह पर अगर हम कॉनकेव पैराबोलाइडल मिरर यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है, इसके ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे फार्मूले आपने देख लिए, सारा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का। तो अब हम क्या करेंगे कि इनके फार्मूले को किस तरीके से आपको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे इन फार्मूले को आप बहुत ही आसानी से यूज करना सीख जाएंगे। चलिए, तो एक बहुत ही आसान सवाल से स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो टेलीस्कोप का है। तो दिया हुआ है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज नॉर्मल इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, ध्यान रखिएगा इस लैंग्वेज का मतलब आप समझते रहिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला जाए सवाल में या फिर रिलैक्स्ड आई बोला जाए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो फाइनल इमेज होगा, फाइनल इमेज कहाँ पर बन रहा होगा? इन्फिनिटी पर। तो आपको उसी हिसाब से मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई या फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी बोला जाए तो तीनों का मतलब सेम होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना है? 100 है। आगे दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 101, और ये टेलीस्कोप की बात हो रही है। तो आप देखिए कि टेलीस्कोप जो होगा, सपोज कि ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ और ये आपका आईपीस हुआ,
फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर जब बनता है तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा? जब इस लेंस से बनने वाला इमेज इस लेंस के फोकस पर हो। और अगर ये बात टेलीस्कोप की हो रही है तो ये जो इमेज बन रहा है वो इसके भी फोकस पर होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं या बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं टेलीस्कोप से। तो यानी इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है ये इमेज इसके तो फोकस पर होगा ही, और फाइनल इमेज को आपको इन्फिनिटी पर ले जाना है, इसका मतलब ये इमेज इसके भी फोकस पर लाई कर रहा है। तो यानी दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन कितना होगा? एफ ओ प्लस एफ ई। तो सवाल में दिया है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 101, यानी कि एफ ओ प्लस एफ ई की वैल्यू है 101, जिसको हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है नॉर्मल या फाइनल, जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? माइनस एफ ओ अपान एफ ई। तो माइनस एफ ओ अपान एफ ई इज इक्वल टू कितना है? 100 है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 100 जो है वो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू दी हुई है, और आप जो फार्मूला लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर का, जब इसमें आप माइनस लगाते हैं तो इस माइनस का मतलब ये होता है कि जो आपका फाइनल इमेज बनेगा वो फाइनल इमेज इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो निगेटिव और इरेक्टेड इमेज का मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड इरेक्टेड होता है, इस वजह से उसमें दोनों फार्मूले 1 प्लस डी अपान एफ प्लस में और डी अपान एफ बी प्लस में। लेकिन उसके अलावा जितना भी केस आपने देखा उन सब में फाइनल इमेज इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, इसीलिए यहां पर माइनस लगा होता है। तो इस माइनस से यहां पर सिर्फ यही मतलब है कि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, तो उसको आप हटाइए, न्यूमेरिकल वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो एफ ओ अपान एफ इज इक्वल टू 100 आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। और आपसे पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस यानी एफ ओ और एफ ई की अलग अलग वैल्यू बतानी है, तो दो रिलेशन मिल गए तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर ही सकते हैं। बस समझने वाली बात यही थी कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है और ये जो वैल्यू है उसमें हम माइनस लगाएं कि ना लगाएं। और नॉर्मल एडजस्टमेंट जब बोला गया है तो इसका मतलब इन्फिनिटी वाला केस है कि डी वाला केस है, तो ये इन्फिनिटी वाला केस है और यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस ये 101 है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो माइनस को हटा दिया हमने। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, एफ ओ इज इक्वल टू 100 एफ ई, तो एफ ओ की जगह पर 100 एफ ई अगर हम इसमें रख दें तो 100 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 101 कितना हो जाएगा? 101 एफ ई इक्वल टू 101, तो एफ ई कितना आ जाएगा? 1, और एफ ई की वैल्यू 1 आ गई इसमें रख दीजिए तो एफ ओ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस था वो किस में दिया था? सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में आ गया, मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर और आई पीस का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। और आपको पता भी है कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़े फोकल लेंथ का, बड़े अपर्चर का होता है, तो आप देखिए ज़्यादा फोकल लेंथ आ गया, और जो आई पीस है वो छोटे फोकल लेंथ छोटे अपर्चर का होता है वो भी आ गया। क्लियर है, तो इसको आप नोट करिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन माइक्रोस्कोप का है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एंड आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हैज अ ट्यूब लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर पता करना है, लेकिन कब? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो आई का जो नियर पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी 25 सेंटीमीटर के इक्वल होता है ये। तो फाइनल इमेज जब डी डिस्टेंस पर बने तब आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बताना है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है जब डी डिस्टेंस पर इमेज बने? तो माइनस वी ओ अपान यू ओ। देखिए वहां पर जब हमने आपको थियरी में बताया तो वहां पर ये माइनस छूट गया था, तो आप ध्यान रखिए कि वहां पर भी ये माइनस होता है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू वी ओ और यू ओ की न्यूमेरिकल वैल्यू विथ साइन रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में हम साइन लगाएंगे प्लस या माइनस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तब तो हम वैसे लिख सकते हैं जैसे हमने वहां पर बताया है। लेकिन अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पुट करना चाहते हैं, साइन पहले से रहे, तो यानी हम यू नॉट के साइन को हम पहले जब यूज कर लेते हैं तो यहां पर माइनस ऑलरेडी हम लिख सकते हैं। तो वहां पर जब हमने लेंथ के फॉर्म में लिखा था तो यू ओ की वैल्यू हमने रखी थी माइनस एफ के फॉर्म में, तो इसलिए वो माइनस आया था। लेकिन अगर आप सीधे यू ओ की जगह पर एफ ओ लिखना चाहते हैं तो आपको पहले से ही माइनस लगाना पड़ेगा, तो एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ और 1 प्लस
डी अपान एफ ई, ये तब फार्मूला हम यूज कर रहे हैं जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनेगा। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो ये वन हटा देंगे, तब आपका फार्मूला बन जाएगा। और यहां जो माइनस हम लगा रहे हैं, इस माइनस का ये मतलब है सिर्फ कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगा, इस माइनस का यही मतलब है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ मतलब एफ ओ 1 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकल लेंथ यानी एफ ई 2 सेंटीमीटर और ट्यूब लेंथ का मतलब दोनों ऑब्जेक्टिव और अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपका आईपीस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम ट्यूब लेंथ कहते हैं या लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, तो 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दी मैग्नीफाइंग पावर। अब देखिए आप मैग्नीफाइंग पावर अगर इस फार्मूले से निकालते हैं तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपको वी नहीं पता है, आपको यू नहीं पता है, इस सब को लेकर आप क्या करेंगे, एल कहाँ रखेंगे और एफ ओ कहाँ रखेंगे। तो इसी वजह से हमने इसी फार्मूले का दूसरा रूप आपको बताया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं वो इसके फोकस पॉइंट के नज़दीक होता है, फोकस पॉइंट के नज़दीक होता है, और जो इमेज बनता है वो इस लेंस के काफ़ी नज़दीक होता है। तो इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू ओ है, यू फॉर ऑब्जेक्टिव, वो इसके फोकल लेंथ के लगभग इक्वल होता है। और इसके लिए जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये वाला जो इमेज है, फाइनल इमेज नहीं, ये जो इमेज ए डैश बी डैश बनता है, तो ये इमेज का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से जिसको वी ओ बोलेंगे, वो भी वी ओ लगभग इसके इक्वल है। तो इसके और इसके बीच का जो लेंथ है दैट मीन्स ट्यूब लेंथ के इक्वल है। तो ये क्राइटेरिया, ये बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पता चला, पीछे में हमने आपको बताया था कि जो वी ओ है वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, लगभग लगभग एल के इक्वल है, एग्जैक्टली तो नहीं है क्योंकि वी ओ थोड़ा लेंथ से पहले ही रहेगा, बट लगभग उसके इक्वल है। और यू ओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो फोकल लेंथ के लगभग इक्वल है, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के इक्वल एग्जैक्टली नहीं है बल्कि उससे थोड़ा आगे होता है। तो अगर हम वी ओ की जगह पर एल और यू ओ की जगह पर एफ ओ रख दें तो ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा और हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप ध्यान दीजिए कि अगर हमने पहले से यहाँ माइनस लगा रखा है, इसका मतलब कि हम सिर्फ यू ओ और वी ओ की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे, जबकि पीछे थियरी में हमने यहाँ पर जब प्लस लिखा था तो यू ओ की वैल्यू रखते टाइम हमने माइनस एफ ओ रखा था क्योंकि यू ओ लेफ्ट में था। तो जब विथ साइन आप यूज करेंगे तो यहाँ प्लस के साथ लिखना था, यहाँ पर विथ साइन यूज करेंगे। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप माइनस लगा सकते हैं, ये माइनस का मतलब यही कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस और एल और अपान में एफ ओ और 1 प्लस डी अपान एफ ई। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, इसमें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, एल की वैल्यू कितनी है 20, एफ ओ कितना है 1 और 1 प्लस डी कितना होता है 25 होता है, 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और अपान में एफ ई कितना है 2। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा आपका -20, और माइनस आप हटा के भी बता सकते हैं, ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि माइनस के साथ ऑप्शन दिया हुआ है कि या सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये हो जाएगा 27 अपान 2, कितना हो जाएगा इससे 10, मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। तो सारा सिचुएशन जो यहाँ दिया हुआ है पहले हम उसको बना लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो कम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा, और अगर माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्टिव स्मॉल फोकल लेंथ का होगा और आईपीस लार्ज फोकल लेंथ का होगा, यानी ये सिचुएशन होगी। और ऑब्जेक्टिव से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस से, और फोकल लेंथ दोनों का हमको पता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी एफ ओ कितना है, यह है 4 सेंटीमीटर, और आई पीस एफ ई कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर। और ये जो 6 सेंटीमीटर ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से कोई डिस्टेंस अगर लिखते हैं तो यू फॉर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और अगर हम अपना फार्मूला जो फाइनली यूज करेंगे उस फार्मूले में हम साइन यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम जब यू की वैल्यू रखेंगे तो विथ साइन रखेंगे, तो इसका मतलब ये लेफ्ट में है तो माइनस के साथ लिख ले रहे हैं, ठीक है।
देखिए जब भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फार्मूले का हो, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि एल अपान एफ ओ और ब्रैकेट में वन प्लस डी अपान एफ ई, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, तब तो ठीक है। लेकिन जब सिचुएशन आपको ऑब्जेक्टिव और आई पीस में घुमाने लगे, डिस्टेंस वगैरह के रेफरेंस में बातें होने लगे, तो ऐसे में आपको पहले डायग्राम बना लेना चाहिए। तो इससे हर एक चीज़ आपको क्लियर होता रहेगा कि क्या पहले कैलकुलेट करना चाहिए और उससे फिर आगे की जो वैल्यू है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने डायग्राम यहाँ पर बना लिया, तो अभी हमसे ये पूछा हुआ है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इधर कहीं, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उससे जब फाइनल इमेज हमको मिलेगा, वो हमको इमेज कहीं इधर मिलेगा, और ये इमेज इस दूसरे वाले लेंस से डी डिस्टेंस पर है, ये सवाल में दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है हमको, ये सिचुएशन हमको पता है। तो फाइनल इमेज जब डी डिस्टेंस पर बनेगा, मतलब पहला वाला जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वही फार्मूला हमको यूज़ करना है मैग्नीफाइंग पावर के लिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू वी ओ अपान यू ओ और ब्रैकेट में वन प्लस डी अपान एफ ई, यही फार्मूला होता है। तो अगर हमको इस पूरे कम्बिनेशन का यानी पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, तो ये फार्मूला होगा। यू की वैल्यू हमने, मतलब अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट करी है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के साथ, तो माइनस भी आ जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको वी ओ चाहिए, यू ओ चाहिए और डी हमको पता है। डी की वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया है तो 25 होता है, अगर कुछ दूसरा दे दिया है तो फिर आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं बोला तो 25। एफ ई हमको पता है, तो एफ ई और डी ये वाला पार्ट हमको पता है, लेकिन वी ओ और यू ओ नहीं पता है। तो हमको वी ओ और यू ओ पता करना पड़ेगा, और इसमें यू ओ भी पता है, हमको वी ओ नहीं पता है। ठीक है, तो यू वी ओ कैसे पता करेंगे, मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस ऑफ इमेज, यही है वी ओ, ये तो हमको वी ओ पता करना है, यू ओ पता है, इसका हमको फोकल लेंथ भी पता है। तो सिंपल सा लेंस का फार्मूला यूज करेंगे इस वाले लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर हम ये फार्मूला यूज करें, वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान बी माइनस वन अपान यू, तो एफ की जगह पर एफ ओ, वी की जगह पर वी ओ, यू की जगह पर यू ओ लिखेंगे। और इसमें अगर हम सारी वैल्यूज को पुट करें, वन अपान एफ ओ कितना है, ये है 4, तो 1 अपान 4 इज इक्वल टू 1 अपान वी ओ फाइंड आउट करना है, माइनस 1 अपान यू ओ, यू ओ कितना है, माइनस 6, माइनस लेफ्ट में, माइनस माइनस प्लस होगा और इस साइड ले आएंगे फिर से माइनस होगा, तो 1 अपान वी ओ इज इक्वल टू 1 अपान 4 माइनस 1 अपान 6 कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 12, और यहाँ पर आएगा 3 माइनस 2 यानी 1 अपान 12, दिस मीन्स वी ओ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मतलब ये कि जो इमेज ये बन रहा है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रहा है। तो अगर वी ओ मिल गया तो अब हम ये मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू वी ओ अपान यू ओ। अगर यहाँ माइनस हम फार्मूले में लगा देंगे तो वी यू ओ की सिर्फ वैल्यू रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम यहाँ माइनस नहीं लगा रहे हैं, हम प्लस रखे हैं फार्मूले में, तो वी ओ यू ओ सबकी वैल्यू विथ साइन आप रखिए, तो वी ओ प्लस में 12 और यू ओ माइनस में 6 और ब्रैकेट में 1 प्लस डी मतलब 25 अपान एफ ई, एफ ई का मतलब 10। सॉल्व कर दीजिए, ये 6 दुना 12 और माइनस के साथ माइनस 1 हुआ, और ये हो गया आपका 35 और अपान में कितना, अपान में 10, और ये ऊपर ये इनटू है 2, तो कितना हो जाएगा 70 और अपान में 10 माइनस के साथ में, तो माइनस 7। अब ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि माइनस 7 गिवेन है कि 7 गिवेन है, दोनों साथ में नहीं रहेगा। तो माइनस 7 का मतलब कि आप ये बात भी बताना चाहते हैं कि फाइनल इमेज जो बना है वो इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिफरेंस में इन्वर्टेड है, उल्टा है। अगर आप माइनस नहीं लगाते हैं तो सिर्फ आपने बताया कि जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट से 7 गुना ज़्यादा बड़े साइज का है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर आपने निकाल लिया, विथ साइन अगर देखें तो माइनस 7 आएगा। दूसरा पार्ट पूछ रहा था लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब बताइए अगर आपको इस सिचुएशन में, जैसी सिचुएशन है उसमें अगर आपको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताना है, यानी कि दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन बताना है, तो यहाँ इस फर्स्ट वाले लेंस से इस वाले ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है वी ओ, लेकिन ये जो दूसरे वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इस लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू ई, आई पी से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वी ओ प्लस यू ई इसका लेंथ हो जाएगा,
वी ओ हमको पता है बट यू ई नहीं पता है। तो यू ई आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा, और यू ई पता करने के लिए क्या चाहिए, तो आई पीस का फोकल लेंथ चाहिए और आई पीस से जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो भी हमको चाहिए। तो इस वाले लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज पता है, इस वाले लेंस का फोकल लेंथ भी आपको पता है, तो उस वाले लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो पता कर सकते हैं लेंस का फार्मूला यूज करके। यहां पर मैं कर दे रहा हूं 1/f = (part number 2) 1/v - 1/u, लेकिन हम आई पीस के लिए यूज कर रहे हैं तो ई ई और ई सबकी वैल्यू पुट करेंगे जब, तो 1/fe कितना है 10 प्लस में 10, 1/ve ve का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई पीस, तो ये जो इमेज बना है वो आई पीस से डी डिस्टेंस पर बना है क्वेश्चन में बोला था, और ये लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस है तो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, और डी की वैल्यू लिख देंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा पूरा इसकी जगह पर, और -1/ue इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, तो 5 - 2 सॉरी ये इधर आके क्या हो गया, ये माइनस था ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, +2 = -1/ue मतलब 7/50, तो यू ई की वैल्यू आ जाएगी -50/7, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा -7.1, और उसके बाद चलिए 7.1 एक डिजिट तक लिख लीजिए, उसके बाद सेंटीमीटर, मतलब जो यू ई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -7.1 सेंटीमीटर, जिसमें माइनस ये बता रहा है कि वो इसके लेफ्ट में है यानी ये वाला डिस्टेंस है, और कितनी डिस्टेंस है ये 7.1 सेंटीमीटर, तो 7.1 सेंटीमीटर ये इतना है और ये है 12 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप वी ओ प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यू ई, माइनस नहीं लगाना है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, तो 12 प्लस यू ई ये डिस्टेंस कितना है 7.1, कितना आ जाएगा 19.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी कभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट ना आए, जैसे ये डायरेक्ट नहीं था, आपको अलग अलग लेंसेज के बारे में सोचना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप इस सिचुएशन को आप समझते हैं तभी सवाल को आप। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20 व्हाइल प्रोड्यूस्ड बाई आईपीस अलोन इज 5 व्हेन माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 14 सेंटीमीटर। यानी अगर हम पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन देखें तो वो 20 है, लेकिन सिर्फ आईपीस की बात करें तो वो 5 है, और ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस 14 का मतलब समझते हैं एल लेंथ, ट्यूब लेंथ जिसको बोलते हैं वो है 14 सेंटीमीटर, तो आपको, और डी की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में 20 बोला हुआ है, इसका मतलब आप 25 नहीं यूज करेंगे क्योंकि इन्होंने वैल्यू गिवन मतलब दी हुई है, तो आपको यही यूज करना है। तो आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस बताना है एफ ओ और एफ ई की वैल्यू। तो इसके लिए अगर हम यहां पर डायग्राम देखें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ये आई पीस हो जाएगा, ये उनका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और कोई ऑब्जेक्ट जो हम इधर रखते हैं उसका एक इमेज बनता है पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से, और इस ऑब्जेक्ट का इस दोबारा से इस लेंस के, चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके फोकस के अंदर आ जाता है, फिर इससे जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर इमेज बनता है, और ये इमेज जो बना है वो इससे डी डिस्टेंस पर है, और डी की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ये सारा सिचुएशन आप पढ़ चुके हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, इनके और इनके बीच का लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप देखिए एम और एम ई, अगर ये दोनों आपको पता है तो आप इस ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन बता सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो मैग्निफिकेशन होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एम ओ इंटू एम ई हो जाएगा, 20 रख देंगे, एम ओ इंटू यहाँ पर 5 रख देंगे, तो एम ओ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एम ओ 4 आ गया, बट इसको अभी हम रोकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हमको ये एम ओ मिल गया, लेकिन आई पीस की अगर हम बात करें तो आई पीस का मैग्निफिकेशन हमको पता है, और आप देखिए कि आई पीस जो है वो क्या, ये आई पीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी क्या होता था कि ऑब्जेक्ट को उस लेंस के फोकस के अंदर रखते थे, तो जो फाइनल इमेज बनता था अगर वो डी डिस्टेंस पर बनता था तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते थे m = 1 + d/f, तो सारा सिचुएशन तो यहाँ पर भी आई पीस के लिए सेम है, ये ऑब्जेक्ट इस आई पीस के फोकस के अंदर है और वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब कि आई पीस यहाँ पर
सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका मैग्निफिकेशन डी डिस्टेंस के केस में एम इक्वल टू वन प्लस डी अपान एफ, और यहां पर एम का मतलब एम ई से है और एफ का मतलब भी एफ ई से है। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवेन है कितना, 5। तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस डी की जगह पर 20 अपान एफ ई, तो एफ ई ही तो पता करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 20 अपान एफ ई, तो एफ ई इज इक्वल टू 20 अपान 4 दैट इज 5 सेंटीमीटर, यानी आई पीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यही बात ध्यान रखना है आपको कि आई पीस जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, सिचुएशन सारी सिंपल माइक्रोस्कोप की है उसके लिए। ये एक आंसर तो आपका हो गया, आप दूसरा कैसे निकालेंगे उसके लिए सोचते हैं कुछ। देखिए लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहां पर अगर इनके और इनके बीच का लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो पहले ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बना उसको हम बोलते हैं वी ओ, और ये इमेज इस लेंस से जितनी डिस्टेंस पर होता है उसको हम बोलते हैं यू ई। तो यानी कि वी ओ प्लस यू ई की न्यूमेरिकल वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्टिव का आपको मैग्निफिकेशन भी पता है, और वो कितना है मैग्निफिकेशन, तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आया था 4। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम फार्मूला यूज करें, इस ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम फार्मूला यूज करें मैग्निफिकेशन का, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, v अपान u। तो ऑब्जेक्टिव के लिए वी ओ अपान यू ओ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4। यहां से हम लिखेंगे वी ओ इज इक्वल टू कितना, 4 यू ओ। तो वी ओ इज इक्वल टू 4 यू ओ हमने लिख दिया है, तो v की वैल्यू u के रिस्पेक्ट में हमको मिल गई, बट हमको इसका फोकल लेंथ चाहिए। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमको देखिए यहां से कहीं ना कहीं से वी ओ निकालना पड़ेगा, तो वी ओ निकालने के लिए यानी इस वी ओ की वैल्यू निकालेंगे, यहां रखेंगे तो यू ओ मिलेगा, और यू ओ और वी ओ मिल गया तो एफ ओ मिल जाएगा हमको। तो वी ओ निकालने के लिए हमको जरूरत है यू ई जानने की, और यू ई जानने के लिए हम इस फार्मूले से 1 अपान एफ 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, अगर ये फार्मूला हम आई पीस के लिए यूज करें तो यहां पर ई ई और ई, तो वी ई की बात करें तो वी ई हमको पता है डिस्टेंस फॉर आई पीस, और एफ ई की बात करें तो इसका फोकल लेंथ भी हम निकाल चुके हैं कितना, 5। तो अगर हम एफ ई और वी ई रख दें तो यू ई मिलेगा, और कैसे कितना आ जाएगा, 1 अपान एफ ई, डी के इक्वल है लेकिन लेफ्ट साइड में है तो माइनस डी यानी -20, और ये फिर माइनस में 1 अपान एफ ई रखना है ना, तो 1 अपान एफ ई कितना है, ये है 5, और ये इधर जाके माइनस में 1 अपान वी ई, और वी ई की वैल्यू -20, तो -20 इज इक्वल टू -1 अपान यू ई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ पर आएगा कितना, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान यू ई माइनस के साथ, 5 अपान 20 यानी 1 अपान 4, तो यू इज इक्वल टू आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। लेकिन हमको यू ई की यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये यू ई प्लस वी ओ इज इक्वल टू है कितना, 14। तो इसमें हम यू ई की वैल्यू अगर 4 रख दें तो वी ओ की वैल्यू हमको मिल जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट वी ओ इज इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी कितना, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से अगर 10 सेंटीमीटर आपको वी ओ की वैल्यू मिल गई, तो वी ओ की वैल्यू यहां पर आप रख दीजिए 10 इज इक्वल टू 4 यू ओ, तो यू ओ कितना आ जाएगा, 10 अपान 4 यानी कि 5 अपान 2। और अगर आपको यू ओ मिल गया, वी ओ मिल गया, तो इन दोनों वैल्यूज को आप यूज करके इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू से, यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपान वी ओ यानी कि 10, और -1 अपान यू ओ, यू ओ यू फॉर ऑब्जेक्टिव कितना है, ये यू ओ आ गया था आपका 5/2, लेकिन ये लेफ्ट में ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो माइनस में 5/2 लिखेंगे, तो जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपान 10 प्लस 2 अपान 5, एलसीएम आ जाएगा 10, तो 1 प्लस 4 यानी कि 5 अपान 10, तो 5 अपान 10 यानी कि 1 अपान 2, 1 अपान एफ ओ इक्वल टू 1 अपान 2, तो एफ ओ इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर और आई पीस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के देखना पड़ेगा कि कैसे हम कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करके जो भी हमको चाहिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये चारों क्वेश्चन करने के बाद और पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद अब आप समझ चुके होंगे कि कब प्लस लगाना है, कब नहीं लगाना है और कब डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी और कब इसको डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन करने के बाद अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसको करिएगा और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है कि यू आर गिवेन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टू डिज़ाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है और दोनों जो लेंस आपको यूज करने हैं उसका फोकल लेंथ आपको पता है 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर। इफ इट इज डिजायर टू हैव अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 30, यानी आपको जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है उसका मैग्नीफिकेशन 30 लाना हो तो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस को कितनी डिस्टेंस पर रखेंगे कि उसका मैग्नीफिकेशन 30 आ जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन नंबर टू है वो है सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, इज 105 सेंटीमीटर। तो दोनों जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो दोनों लेंस यूज होंगे उनके फोकल लेंथ का सम 105 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 टाइम्स दैट ऑफ अदर। डिटरमाइन द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी या नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपको बताना है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगा इस टेलीस्कोप का। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा और आप पढ़ाई करते रहें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 में। थैंक यू।